के खिलाफ गुस्से में नहीं बल्कि गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता की वजह से है। इन सभी मुद्दों पर बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता प्रांजलि सिंह ने। चालीस महीने सरकार में रहने के बाद हम इसके पहले की सरकार को दोष नहीं दे सकते। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी और जानी मानी अर्थशास्त्री हैं जो ये कह देते हैं, कहा जाता है कि एक लकीर खिंच जाती है अर्थव्यवस्था के नाम पे। सर, आपने अपने लेख के जरिए, आपको तो लगा था कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन दोबारा पलटवार सरकार के एक मंत्री द्वारा करवाया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि हम भाई अपनी जगह सही है, तो फिर कैसे आंखें खुलेंगी? ठीक है, बढ़िया है। देखिए, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है समस्या है इसको स्वीकार करना। समस्या है ही नहीं तो फिर बहस किस बात की? तो फिर आपके लेख का क्या मतलब हुआ लिखने का? नहीं, हमारे दृष्टिकोण से मतलब हुआ, उन लोगों के दृष्टिकोण से मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सरकार अपनी इस बात पे अड़ी हुई है सर, और मुझे याद है जीएसटी लागू होने के बाद से ही आपका एक स्वर जो है वो जो मुखर हुआ और एक अगेंस्ट जो फील कराया वो अब तक जारी है, तो आपकी बातों को अभी उस वक्त भी महत्व नहीं दिया गया था, अब भी महत्व नहीं दिया जा रहा है? आप लोग महत्व दे रहे हैं ना जी, आप बात कर रही हैं, यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देश की चिंता आपको है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पार्टी से बड़ा देश है, तो फिर ऐसा कदम उठाने का मतलब क्या हुआ सर? नहीं नहीं, हो सकता है कि हमारी समझ उनकी समझ से भिन्न हो, हमारी समझ कम हो, ऐसा भी हो सकता है। वो जैसे समझते हैं वैसे उस रास्ते बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, गंभीरता से उठाए हैं और देश हित में उठाए हैं, उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से विचार होगा और कोशिश होगी कि उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाए। आपने एक बात और कही कि मैं ये लेख एक मौका है कि आप आगे जाकर के संभल जाइए। अर्थव्यवस्था जिस तरीके से नीचे गिर रही है, क्या आपको लगता है कितनी जल्दी अब संभलना बहुत आसान होगा? मनमोहन सिंह की बातों को भी अगर गौर किया जाए तो हमने अपने लेख में भी कहा है और लोग भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था का सुधार तत्काल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमने एक चाबी घुमाई, एक छड़ी घुमाई और अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दिनों तक करना पड़ता है, तब जाकर अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। अभी शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं शुरू करेंगे तो और भी जटिलताएं हैं। यशवंत जी, लेकिन आपकी बातें विपक्ष को इतना बड़ा मौका दे गई तो क्या हम इसे कैसे माने? एक तरफ आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े पद पर रहे हैं, और आपकी लेख के बाद में लगातार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, कांग्रेस आपका आपके रेफरेंस से करने लगी, तो इसको हम क्या माने? ऐसे में चुनाव है 2019 में, क्या होगा आगे? मुझे लगता है कि वो अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, और चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि हम 18 महीने से जो बात कह रहे हैं वो यशवंत सिन्हा ने अभी कही है, ठीक है ना? तो विपक्ष तो इन मुद्दों को उठा ही रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम उठा रहे हैं। लेकिन आप तो बीजेपी से हैं सर। अरे भैया, हम उठा रहे हैं आज, वो पहले से उठा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं आपसे कि विपक्ष इन मुद्दों को चिदम्बरम साहब के मुताबिक पहले से उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनको मुद्दा दे दिया और वो मुद्दा लेके आगे बढ़ गए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब बार बार आप कहते हैं कि ये परिवार का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर से मेरे दिमाग में भी एक सोच है कि आपके पुत्र खुद केंद्र में मंत्री हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ प्रभाव आगे चल करके पड़ सकता है इस तरीके से, जो आपका गुस्सा अगर हम कहें कि अगर इसी तरीके से चलता रहे तो? क्यों गुस्से का शब्द कहां से आया? हमने जो लेख लिखा वो गुस्से का लेख है? आपको लगता है कि गुस्से से लिखा हुआ है? आज हम जो बात कर रहे हैं वो गुस्से में कर रहे हैं। पार्टी में आंतरिक तौर पे जो बातचीत चल रही है, आंतरिक प्रजातंत्र मैं पार्टी में बेहतर समझता हूँ। जो लोग आज आंतरिक प्रजातंत्र और आंतरिक फोरम्स की बात कर रहे हैं, उनसे बेहतर मैं जानता हूँ कि पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र कितना है और फोरम्स कितने हैं बात रखने के लिए, इसलिए उसमें मुझे मत उलझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर उनसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।